ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पैल वर्ल्ड। पिछले एपिसोड के अंदर आप सभी लोगों ने देखा, हमने ढेर सारे एक को हैच करने के बाद हमारे पास यार तगड़े तगड़े पोकेमॉन्स आ चुके हैं, मतलब पैल्स आ चुके हैं। और उसके साथ साथ हमने एक ब्रीडिंग फार्म भी बनाया था, उसमें हमने दो पोकेमॉन्स को ब्रीड करने के बाद हमारे पास फाइनली आ चुका है एनिबस। एनिबस तो तगड़ा है, बट यार पैल वर्ल्ड के अंदर और भी इससे खतरनाक पोकेमॉन्स अवेलेबल है और उनको भी हमें डिफेंड करना है और पकड़ना भी है। बट यार आज के एपिसोड के अंदर हम अपने बेस को थोड़ा बहुत चेंज करने वाले हैं, बिकॉज यार हमारे पुराने बेस के अंदर अभी जगह ही नहीं बची। यार मैंने ब्रीडिंग फार्म क्या लगा दिया, वहां पर जगह ही नहीं बची, तो हमें थोड़ी बहुत खुली जगह चाहिए जहां पर हमारे पैल्स अच्छी तरीके से वर्क करें। हमारे वीडियोस के ऊपर व्यूज तो बहुत तगड़े आ रहे, बट आप सभी लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हो गाइस। फटाफट से यार लाइक और सब्सक्राइब दोनों चीजें कर लो, बिकॉज यार हमें थोड़ा बहुत जो है आप सभी लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप सभी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, प्लीज गाइस सपोर्ट करो। सो वेलकम बैक टू अनदर डे इन पोकेमॉन वर्ल्ड। आज हम शिफ्ट करने वाले नए बेस के अंदर, और इस ब्रीडिंग फार्म की वजह से हमारे पास ये देख सकते हैं कितनी ज्यादा अड़चन हो चुकी है, हमारे पास खुली जगह नहीं बची अभी। तो मैंने सारे पैल्स को निकाल दिया, और बिकॉज ये काम कंटिन्यू कर रहे थे तो आज हमें एक अच्छी सी लोकेशन पे अपना घर बसाना है। तो मैंने यार लास्ट टाइम क्या वीडियो के अंदर एक जगह दिखाई थी, वहां पर आज हम जो है पूरी चीजें शिफ्ट करने वाले हैं। मतलब यार बहुत सारी चीजें मेरे पास, लिटरली बहुत सारी चीजें, बट अगर मैं यहां से सीधा पैल बॉक्स तोड़ देता हूं तो यहां पर जितनी भी चीजें होगी ना वो सारी एक झटके में टूट जाएगी। तो मैं एक काम करने वाला हूं, जो जो चीजें मैं तोड़ सकता हूं वो चीजें तोड़ देंगे, बट अभी फिलहाल रात हो चुकी तो फटाफट से सो लेते हैं। तो मैं आपसे लोग अपने लास्ट टाइम के पोकेमॉन्स दिखाने वाला हूं। यार लास्ट टाइम हमने बहुत तगड़े तगड़े पोकेमॉन पकड़े थे, वैसे आपसे लोगों को दिखा देता हूं, ये वाला पोकेमॉन हमें सिर्फ एक से मिला था, और आप सभी लोग देख सकते हो इसकी लेवल अभी 25 भी हो चुकी है, और ये लैम्बरिंग करता है, मतलब स्टोन भी तोड़ता है, लैम्बरिंग भी करता है, दोनों चीजें कर लेता है। और उसके साथ हमारे पास और भी बहुत सारे नए नए से आ चुके हैं, तो एक काम करते यार इसको अंदर लेते और फटाफट से सारे एग्स को हैच कर लेते, देखते हैं यहाँ पर हमारे पास और कौन कौन से नए से पोकेमॉन आ चुके हैं। तो देखो मेरे पास बहुत सारे लार्ज एग है, फटाफट से इनको तोड़ते हैं और इनमें से देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। भाई पायरिन हमें एक नया सा एग मिला है, और एक सेकेंड हमारे पास एक ह्यूज एग है, इसमें क्या मिलता है, पायरिन ही मिला है, ठीक है। ये भी लार्ज एग है हमारे पास, भाई स्कॉर्चिंग एग हमारे पास लिटरली बहुत सारे आ चुके हैं। एक रैग्नारॉक क्या कुछ तो नाम है भाई उसका, बट वो अलग सा एक मिला है, चलो खोलते हैं इसको भी। ये भी हमारे पास है नया सा, इसको पकड़ा नहीं मैंने, ये सिर्फ मुझे अंडे से ही मिला है, फिर से मिला है। कितने मिलने वाले ऐसे, नई सी वैरायटी दो भाई, मिली वैरायटी पायरन हमें नॉक बॉस बॉन मिला है। ओके मेरे लेवल अप हो चुके, 11 हो चुका है मेरा लेवल, और एक नया सा, मतलब नया सा नहीं पुराना ही है, इसको भी खोल लेते हैं। ओके कुछ अलग सी चीजें यार, बहुत नई नई चीजें आ चुकी है पैल वर्ल्ड के अंदर। ओके मंकी, वैसे यार नॉर्मल कॉमन एग से मेरे पास बहुत सारी जगह हो चुकी थी, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर सारी चीजें निकाल रहा हूँ, मतलब ये एग को हैच कर रहा हूँ। और मेरे पास ये लार्ज डार्क एग है, इसमें से ये माराइथ कुछ तो नाम है इसका, पता नहीं नए से पोकेमॉन हमारे पास आ चुके हैं यार एक से ही। ओके बहुत सारे चीजें, तो देखो आज हमें अपनी सारी चीजें यहाँ पर शिफ्ट करनी गाइस, यहाँ पर इस जगह पे, और ये लिटरली बहुत ज्यादा दूर है यार, मतलब यार मुझे कोई भी अच्छी जगह नहीं मिली है। मैंने बहुत सारे वर्ल्ड को, मतलब पूरा वर्ल्ड छान लिया मैंने, जितना आप देख सकते हो ना यहाँ पर मैंने पूरा मैप घूम लिया है, बट इसकी जगह जैसी मुझे कोई भी जगह नहीं मिली है भाई, पूरा प्लेन जगह है, और हमें यार कुछ भी ग्राइंड करने की जरूरत नहीं अभी, बिकॉज मैंने यहाँ पर एक माइनिंग बेस भी बना लिया है, वो भी आपसे लोगों को दिखा देता हूँ। चलो पहले मैं आपको माइनिंग बेस ही दिखा देता हूँ, वहां पर हमारे पैल जो है काम कर रहे हैं, तो देख सकते हो हमारे पास लिटरली बहुत सारे पैल्स आ चुके हैं अभी, मतलब ऑफलाइन में मैंने यार बहुत सारे पैल्स दिखा दूंगा मैं आपको कहाँ कहाँ से पकड़े। वैसे यार ये नए नए से पैल्स है मेरे पास जो कि माइनिंग करते हैं, डिजिटॉल से कुछ तो नाम है इसका, बट इन लोगों ने भाई कसम से 400 यार 400 ओर्स मेरे पास ग्राइंड कर लिए, और कोल तो देखो भाई, कोल की मुझे लगता भी नहीं है क्या जरूरत है, बट इन लोगों ने बहुत सारे चीजें ग्राइंड कर लिए। इनको खाना पानी सब कुछ इजीली मिल जाता है, आप सब लोग देख सकते हो यहाँ पर मैंने खाने का भी बंदोबस्त कर दिया है, इनके नहाने का बंदोबस्त भी कर दिया है, सारी चीजों का बंदोबस्त कर दिया है, बट ये हमारा अच्छा बेस नहीं है, हमें रहने के लिए एक तगड़ा बेस ही चाहिए।
और आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बेस दो ही लिख रखे हैं, मतलब हमें पैल बॉक्स को तोड़ना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम शिफ्ट कर सकते हैं। ओके ये देखो आयरन तो मिल चुका है भाई, तगड़े आयरन मिल चुके हैं। ये देखो हमारे पास बहुत सारे आयरन है। सो यहाँ पर है ना ऐसे ही करके भाई हमें सारी चीजें निकालनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी करके, बिकॉज डायरेक्टली डिसअपीयर हो जाएगी भाई सारी चीजें। तो मुझे पहले ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। देख सकते हो मेरे पास 3000 भाई, 3000 क्या ही समझ रहे हो, 3000, और स्टोन भी मेरे पास बहुत सारा पड़ा है। तो ऐसे ही करके मुझे धीरे धीरे सारी चीजें ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ये देखो भाई 1700 मेरे पास, बहुत सारी चीजें यार, इनको शिफ्ट करने में मेरी हालत खराब होने वाली है। सो मैंने यहाँ पर सारी चीजें ट्रांसफर कर दी है, लगभग मैंने चीजें ट्रांसफर कर दी है। एक बार यहाँ पर भी देख लो कुछ है नहीं है, तो एक काम करते हैं इनको भी तोड़ देता हूँ मैं सिंपल, जिससे कि हमारे पास है ना ये इसके आइटम्स आ जाएंगे। अरे यार ये फिर से भर गया भाई, लिटरली मेरे पास इतनी सारी चीजें आ रही कि मैं इनको डायरेक्टली फूल हो जा रहा हूँ। अगर मैं इस तरीके से काम करता रहूँ ना तो मेरा यहाँ पर बहुत टाइम चला जाएगा। एक काम करते हैं सीधे सीधे पैल बॉक्स को उड़ा देते हैं, मतलब जितने भी चीजें हो जाएगी वो सारी डिसअपीयर हो जाएगी या फिर इनके आइटम्स गिर जाएंगे, तो हम डायरेक्टली वो सारी चीजें कर सकते हैं। बाकी एक काम करता हूँ इसको भी निकाल देते हैं अभी आए तो। चलो इनसे भाई क्या टुकड़े हो जाते भाई। ठीक है एक काम करते सीधा पैल बॉक्स को उड़ाने वाला हम आज, उड़ा देते इसको। क्या क्या टूटा एक्चुअली, क्या क्या टूटा मुझे देखना है। ओके बहुत सारी चीजें तो नहीं टूटी यार, मतलब कुछ भी चीजें टूटी नहीं। अच्छा ये टूटा है वो देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक हैचिंग टूट चुका है और यहाँ पर इसके आइटम मिल गए मुझे, कोई बड़ी बात नहीं है। 160 इनगट मेरे पास, अरे अंडे भी बहुत सारे पड़े यार। तो एक एक करके मुझे सारी चीजें ट्रांसफर करनी पड़ने वाली है आज। अभी उस आइलैंड के अंदर चलते हैं और वहां पर अपना पैल बॉक्स लगाते हैं, बिकॉज जब तक हम वहां पर पैल बॉक्स नहीं लगाएंगे ना तब तक यार हम टेलीपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा हुआ यहाँ पर हमारे पास एक टेलीपोर्टर है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर जा सकते हैं अभी, बिकॉज यहाँ पर एक ही टेलीपोर्टर है। चलो एक काम करते, कहा गया हमारा नाइटविंग, बुलाते इसको। चलो भाई इसकी सवारी करते और निकलते फटाफट से। और एक सेकंड, मेरे पैल इतने भूखे क्यों हैं गाइस। चलो मेरा आर्मर भी डैमेज हो चुका है, इसको भी मुझे रिपेयर करना है, बट उससे पहले यार सारी चीजें हम ठीक से रखेंगे, अपना नया सा बेस बनाने वाले। मैं तो यार यहाँ पर आज है ना पूरा स्टोन का बेस बनाने वाला हूँ, बिकॉज हमारे पास स्टोन भी पड़ा है, सारी चीजें पड़ी है, उनका ही बेस बनाऊंगा आज। तो जाना मुझे इस तरफ है, बिकॉज ये बहुत बड़ी जगह हमें मिल जाती है। तो ये हमारा नेक्स्ट बेस होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर देख सकते हो गाइस बहुत सारे चीजें हमें मिल जाती है, मतलब पेड़ वगैरह की वैसे भी जरूरत नहीं है, स्टोन की वैसे भी जरूरत नहीं है, ओर्स वगैरह ठीक ठाक है, ज्यादा कुछ हमें वैसे भी जरूरत नहीं इनकी भी। बट यहाँ पर गाइस पूरा प्लेन बेस है और प्लेन बेस पे हम इजिली अपना बिल्ड बना सकते हैं, खूबसूरत बेस बना सकते हैं इसको। और यहाँ पर नजारे वजारे देखो यार, पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये बड़ा सा ट्री दिखाई दे रहा है, खुली जगह है, बहुत सारा अच्छा बेस दिखाई देता है। एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना लियो क्या, स्ट्रक्चर आउटसाइड द बेस एरिया। अबे यार ये क्यों भड़क गया, निकल ना फालतू में यार, फालतू में परेशान करने आ जाते भाई। चलो कोई ना, हमें एक मीट तो मिल गया, इधर काफी रहेगा। एक बार देख लेते एरिया कितना बड़ा हमारे पास एरिया आ जाता है। तो देख सकते हो गाइस इतना भी बड़ा एरिया हमारे पास नहीं आता है। ये लाइन देख सकते हो, ये हमारी लिमिट्स है, मतलब हमारे पैल बॉक्स की, इससे ज्यादा बेस हम नहीं बना सकते यार। थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था यार, थोड़ा सा खुला आसमान की तरह भाई पूरा बेस हो जाता हमारा, और अच्छी खासी हमारे पास जगह भी आ जाती है। चलो यहाँ पर इसको बिल्ड करते हो, यहाँ पर अपने पैल्स को स्पॉन भी कर देते हैं, जिससे कि ये थोड़ी जगह प्लेन कर देंगे। फाइनली हमारा यहाँ पर पैल बॉक्स लग चुका है, तो जितने भी हमारे पास पैल्स है वो सबको मैं यहाँ पर निकालने वाला हूँ। अभी ये जो है बहुत अच्छी तरीके से चीजें ग्राइंड करेंगे, और उसके साथ साथ मैं एक काम करता हूँ। अरे यार वुड नहीं मेरे पास, ठीक है तो फटाफट से थोड़े वुड भी ग्राइंड कर लेता हूँ। अरे ग्राइंड करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पर पड़े मिल जाते हैं, बट ठीक है। तो मैं एक काम करने वाला हूँ, यहाँ पर एक चेस लगा देता हूँ, जिससे कि अबे कितने चाहिए वुड, एक चेस को बनाने के लिए इतने वुड लगते हैं। चलो मैंने यहाँ पर है ना थोड़ा बहुत स्टोन और वुड भी ले लिया है, मैं यहाँ पर दो चेस लगाने वाला हूँ स्पेशली। तो यहाँ पर एक चेस लगा देते हैं टेम्पररी, और यहाँ पर एक चेस लगा देते हैं, बिकॉज हमें अपने सामान को ट्रांसफर भी करना है, तो मुझे जितने चेस चाहिए मैं उतने लगा सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है तो चलते अभी, और मेरे पास जितनी चीजें आ सकती है मैं उतनी चीजें ले लूंगा यहाँ से। तो देखो यहाँ पर मैं इजिली टेलीपोर्ट कर सकता हूँ अभी, और हमें यहाँ पर जाना है, फटाफट से चलते हैं और अपने पुराने बेस का तोड़फोड़ चालू करते हैं। तो अभी देखो हमारे पास लिटरली बहुत सारी चीजें यहाँ पर, एक एक करके मुझे सारे बेस को तोड़ना पड़ेगा, और इनसे मेरे पास लिटरली बहुत सारी चीजें आने वाली है, इसके लिए टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो एक काम करते हैं, क्या हम यहाँ पर ग्रैपलिंग हुक बना सकते हैं, उसके लिए मुझे इनगट चाहिए, पैलेडियम फ्रेगमेंट चाहिए, और अरे यार मेरे पास चीजें तो पड़ी है ना, ये तो रहे भाई इनगट। अच्छा वो इनगट मेरे पास डिटेक्ट नहीं हो रहे ना, एक काम करते हैं थोड़े से लेते हैं, 40 ले लेता हूँ, इनको भी तोड़ना ही पड़ेगा। तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो तोड़ दो
भाई क्या क्या चीजें यार इसके अंदर, लिटरली भाई, लिटरली मेरी स्पीड देख रहे हो कितनी कम हो चुकी है। और अगर मैं यहाँ पर आज सेम स्पीड रहेगी, ठीक है मुझे धीरे धीरे करके जाना पड़ेगा अभी। चलो एक ग्रैपलिंग हुक तो हम बना ही सकते हैं, फटाफट से इसको बनाते हैं, बिकॉज इसकी हमें आज लिटरली बहुत ज्यादा जरूरत है और यही हमें जो टेलीपोर्ट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी, तो फटाफट से इसको बनाते हैं। सो फाइनली हमारे पास ग्रैपलिंग हुक आ चुका है और इसका यूज कैसे करना है भाई ये तो दिखाओ। अबे यार कैसे करते हैं, इसका यूज कैसे होता है बे? क्या हुआ? अच्छा कूलिंग टाइम लगता है भाई इसके लिए भी। ओके ऐसे काम करता ही है, इसका थोड़ा सा है ना मुझे देखना पड़ेगा बिकॉज ये, अरे चलता क्यों नहीं भाई ये? भाई कुछ अलग ही चीज है भाई ये, चलता ही नहीं ज्यादा। ठीक है पहले सो लेते हैं बिकॉज अंधेरा हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है कुछ भी, मतलब ज्यादा दूर नहीं जा सकते, थोड़ा बहुत ही दूर जा सकते हैं हम इससे। ये लोड कब तक होता है? ठीक है टाइम लगता है इसके लिए 10 सेकंड शायद से। थोड़ा अगर मैंने चीजें डाल दी, यस ऑफ कोर्स मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। ठीक है एक काम करते गाइस, मैं अभी सारी चीज तोड़ने वाला हूँ ऐसे करके। ये देखो भाई फटाफट से तोड़ो, अभी जितने भी चीजें उठा लूंगा मैं, मेरे पास जगह फुल हो गई। अच्छा नहीं ये तोड़ रहा था ना, ठीक है फटाफट से तोड़ते हैं भाई, अभी हमारे पास जुगाड़ आ गया। चलो उठा लो भाई उठा लो, जितनी चीजें मिले उठा लो। तो इसको भी तोड़ते हैं, तोड़ो भाई तोड़ो, हनी वनी सब कुछ तोड़ देंगे आज, तोड़ो भाई जितना हो सके सारी चीज़ें तोड़ेंगे। ठीक है मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अभी तोड़ दी है और मे भी शायद से हमारे पास चीज़ें भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही है तो हम क्या क्यों छोड़े। ये देखो भाई इजीली टेलीपोर्ट कर सकते हैं हम, तोड़ो भाई जितने चीजें मिल रही है सब कुछ तोड़ देंगे आज और हमारे पास इजीली वो आ भी जाएगी। मे भी शायद से हमारे पास स्टोरेज भर चुका है, तो एक काम करते हैं दूसरे टाइम आते हैं और सारी चीजों को निकालेंगे। यार मुझे स्टोरेज का देखना पड़ेगा, स्टोरेज हमारे पास शायद से कम है। चलो गाइस अभी चलते हैं अपने नए बेस की तरफ, मैंने थोड़ा बहुत सामान ले लिया है और मे भी ये काम आ जाए हमारे। चलो भाई कहाँ रखूँ इसको, तो अभी देखो मैंने यहाँ पर थोड़ी चीजें रखी है, ऐसे मुझे फिर से अपने बेस के अंदर जाना है पुराने वाले और वहां से चीजें तोड़कर वहां पर उनसे सारी चीजें लेकर फिर से आना है। तो अभी हमारे पास ग्रैपलिंग हुक तो है बट इतना ज्यादा इफिशियंट नहीं है, इसको मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा। तो अभी यार अच्छी तरीके से चलते हैं, फटाफट से इस घर को भी तोड़ देते हैं। यार यार इस घर से भाई बहुत सारी यादें मेरी, नीचे का बेस तोड़ देना है, बस एक बार नीचे का बेस टूट गया हमारा काम बन जाता है। तोड़ो भाई जितनी चीजें दिख रहे हैं ना सारी तोड़ देंगे, अपने आप ऊपर का नीचे आ जाएगा। देखो बोला ना मैं, अपने आप ऊपर का नीचे आ जाएगा। ओ भाई वहां पर देख रहे हो, एक सेकेंड, ओरे मेरी पूरी चेस्ट वहां पर नीचे गिर चुकी है। ठीक है समझ गया, मुझे वो सारी चीजें उठानी पड़ेगी अदरवाइज मेरी सारी चीजें गायब हो जाएगी। तो ठीक है हमारे पास सारी चीजें टूट चुकी है और ये बेस जो है वैसे के वैसा ही है जो नॉर्मली पहले था। अब यहाँ पर अच्छी खासी जगह खुल जाएगी और यहाँ पर भी पैल घूमना शुरू कर देंगे, बट अभी हम यहाँ से निकलने वाले बिकॉज हमारी नई जगह वहां पर हमारा इंतजार कर रही है। मैंने सारे चीजें इजीली तोड़ तो दी है बट हमारे पास सामान बहुत सारा आ चुका है, इनको मुझे रीअसेंबल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। फिर मैंने यहाँ पर बहुत सारी चेस्टें लगा दी है, एक चेस्ट ने भाई बहुत सारी चेस्टें लगा दी मैंने इसके अंदर। बनाओ बनाओ भाई मैं सारी चीजें रखने वाला हूँ इसके अंदर। अभी मैंने अपने पूरे इन्वेंट्री खाली कर दी है और मैंने अपनी सारी चीजें अपने यहाँ पर ट्रांसफर कर दी है। अपना कासल किधर बनाए ये पहली बात है, हमारा कासल ऐसी जगह होना चाहिए, मतलब कासल नहीं यार हमारा घर किधर होना चाहिए। तो घर एक काम करते हैं यहाँ पर ही बनाते हैं, यार ये जगह थोड़ी बहुत अच्छी है हो जाएगी। तो देखो स्टोन रूफ भी बना सकते हैं, प्लास्टोन फाउंडेशन भी बना सकते हैं इवन, तो इसको हम बनाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर तो बनाते हैं यहाँ पर बनाते हैं स्टोन प्लेटफॉर्म, ये थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। और एक सेकेंड यहाँ पर और क्या क्या चीजें है स्टोन के अंदर, स्टोन स्टेयर्स भी है इवन रूफ भी है। ओके जो हमारे पास चीजें थी ना वही चीज है। और एक काम करते हैं पहले हम ये सारे पैल्स को निकालने वाले हैं बिकॉज ये ना हमें परेशान करते रहेंगे। इनको मैं फिर से अपनी जगह डाल देता हूँ जिससे कि ये ना अपने अपने जगह पे रहेंगे और हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे स्पेशली। तो यहाँ पर हम और क्या चीजें लगा सकते हैं, हम सारी चीजें वुड की नहीं मतलब स्टोन की नहीं बनाने वाले, कुछ चीजें वुड की भी बनाएंगे जिससे कि थोड़ा बहुत अच्छा लुक आएगा इससे। चलो एक काम करते हैं थोड़ा सा और पीछे की तरफ इसको एक्सपांड करते हैं। अरे स्टोन नहीं है, अच्छा हाँ यहाँ पर अलग सा सीन होता है ना, मैं इसके बाहर चला जाऊँ तो स्टोन डिटेक्ट नहीं करता ये। सो फाइनली हमारा बेस रेडी हो चुका है, आप सभी लोगों को मैं दिखा देता हूँ हमारा बेस कैसा बन चुका है। एक्चुअली वर्कअप मतलब ऊपर वाला फ्लोर है और मैंने यहाँ पर जो दो फ्लोर बनाए मतलब यहाँ मतलब एक ग्राउंड फ्लोर और एक फर्स्ट फ्लोर बनाया है, आप सभी लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैंने छोटी सी बालकनी मतलब निकाली है और यहाँ पर मैं ग्रिल जब आएगी ना वो ग्रिल यहाँ पर लगाने वाला हूँ, बट अभी फिलहाल हमारे पास ग्रिल नहीं तो मैंने ऐसे ही इसको छोड़ दिया है, बंद हो जाओ। और हाँ मैंने यहाँ पर स्टोन का पूरा स्ट्रक्चर बनाया है
आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा नीचे वाला ग्राउंड। और एक सेकेंड, क्या मैं इसको भी क्लोज कर सकता हूँ? ऑफकोर्स मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, मुझे पता है इतना तो। इसको मैं यहाँ पर ऐसे करके क्लोज कर देता हूँ वुडन के स्ट्रक्चर से। चलो ये बढ़िया दिख रहा है तो। और ये देखो गाइस, मैंने भाई बहुत तगड़ा तो बहुत क्रिएटिविटी लगाई, मतलब आधा पौन घंटा मेरा चला गया इसके चक्कर में, बट रिजल्ट आप सब लोगों के सामने। और ये हमारा घर अभी तक का। और एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड यार, तू मत जा भाई, तू काम बढ़ाता है भाई ये, ठीक है। आप सभी लोग देख सकते हो भाई क्या मतलब इसको बनाने में ना बहुत टाइम लगा है मुझे, और सीरियसली भाई अब भी बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है पिछले वाले से। और हाँ, मैंने ये थोड़ा सा बड़ा बनाया है बेस, और इसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाने वाली है। अभी मैं आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूं। वैसे भी मैंने चेस्टों का अरेंजमेंट अभी तक किया नहीं है, बट हाँ नए अपडेट के अंदर चेस्टे की अरेंजमेंट बहुत ज्यादा तगड़े हो चुके हैं। अगर आप इसके ऊपर जाओगे, चेस्ट सेटिंग के अंदर आप जा सकते हो और यहाँ पर चूज कर सकते हो कि इस चेस्ट के अंदर क्या चीजें रखनी है। मतलब यार हमारे पैल बेकार से भाई कहाँ पर भी चीजें कहाँ पर भी रख देते, तो ऐसा नहीं हो सकता है अभी। और हमारी चीजें अच्छी तरीके से रहेगी, अब सेफ रहेगी। अभी एक काम करने वाले, एक बहुत तगड़ा सा काम करने वाले, अभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, जितने भी टेबल्स है, वो सारे चीजें मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। बट उससे पहले मैं यहाँ पर अपने बहुत सारे पैल्स छोड़ने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं जितने भी वर्किंग वाले, जितने भी काम करने वाले पैल्स है, वो सारे पैल्स को निकालने वाला हूँ यहाँ से। और ये काम करना शुरू भी कर देंगे, बट मुझे इनको निकालना पड़ेगा। और हैंडलिंग वाले और ज्यादातर क्राफ्टिंग वाले पैल्स मुझे चाहिए, जो मेरी हेल्प कर सके ज्यादातर बिल्ड करने में। बाकी आप सभी लोग देख सकते हो हमारा ये पोकेमोन लाइट अप करने में हमारी मदद कर देता है। मैंने यहाँ पर लाइट भी लगा के रखी है, और आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर अच्छी तरीके से हमारा पूरा रूम लाइट अप हो चुका है। One eternity later. अरे कोई जाके कलेक्ट भी करो भाई, सारी चीजें उग चुकी है। चलो देख सकते हो गाइस, दोनों के दोनों लग चुके हैं काम पे। देख सकते हो भाई स्पीड भी, ये लेवल 2 का, लेवल 3 का, लेवल 4 का देखना पड़ेगा मुझे। मैं भी शायद से लेवल 4 का भी हो सकता है। देखो चिकपी भाई, भाई क्या ही ग्रेजिंग कर रहे हैं भाई ये लोग। वाह भाई वाह 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 भाई, बहुत सारी ग्राइंडिंग कर ली इन लोगों ने। तो आप सभी लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा लगभग बेस रेडी हो चुका है। मैंने यहाँ पर सारी चीजें अच्छी तरीके से प्लेस कर दी है। आप सभी लोग देख सकते हो इवन लॉजिंग साइट, फार्मिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए हमारे पास बहुत सारी जगह है। इवन हमारे बहुत सारे बड़े बड़े ड्रैगन्स आ चुके हैं, तो इनके लिए भी हमारे पास अच्छी खासी जगह आ चुकी है। तो ये बेस तो मुझे बहुत ज्यादा ऑसम लग रहा है। आपको ये बेस कैसा लग रहा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। आज के एपिसोड के अंदर आपने पूरे टाइम बेस के ऊपर ही फोकस किया है, मैंने इसको ज्यादातर बेहतर बनाने की कोशिश की है। और हाँ, मैंने सारी चीजें अभी तक यहाँ पर सेट नहीं की है, बट थोड़ी थोड़ी करके ऑफलाइन में इसको सेट कर दूंगा। अगले एपिसोड के अंदर हम ब्रीड करने वाले और भी खतरनाक पोकेमॉन्स को, तो उसके लिए हमें अगले एपिसोड के अंदर मिलना पड़ेगा। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और चैनल मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।